तो गाइस एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, ट्रेन्स, वो टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा उसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। मैं बता देता हूं आपको कि कोई ट्रेन है, स्टार्टिंग में बेसिक्स बता रहा हूं। कोई ट्रेन है किसी पोल को या फिर किसी पोल या पर्सन को क्रॉस कर जाती है 20 सेकंड में। तो उसका मतलब पता है क्या है, जो पोल और पर्सन है ना उसकी हाइट को हम नेग्लिजिबल लेते हैं, मतलब ट्रेन के कंपेरिजन में बहुत छोटी चीज है ना, तो उसको हम जीरो या जून कर लेते हैं। जब वो बोलेगा कि ट्रेन किसी पोल या पर्सन को क्रॉस करती है, उसका मतलब ट्रेन खुद की लेंथ को क्रॉस करती है। ठीक है, तो यहां से ट्रेन खुद की लेंथ को क्रॉस कर देगी। अब बोलेगा कि दो ट्रेन है, एक ट्रेन ए है एक ट्रेन बी है, दोनों मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। आपको मैंने रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट भी बताया था इसे पिछले वाली वीडियो में। तो रिलेटिव स्पीड होती क्या, फिर भी दोबारा बता देता हूं। जब भी सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड क्या होगी नेगेटिव, मतलब माइनस कर देंगे, ए माइनस बी, जिसकी ज्यादा होगी कम वाली में से माइनस कर देंगे, तो सेम वो रिलेटिव स्पीड आएगी। और जब अपोजिट में जाएंगे तो स्पीड ऐड हो जाएगी। उसका एक आप नेचुरल सी बात है, आप देखो एक चीज बताओ, ये स्पीड जा रही है 60 की स्पीड से, ये जा रही है 40 की स्पीड से, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है, ये 40 किलोमीटर पर आवर की। तो ये वाली ट्रेन, रिलेटिव स्पीड का मतलब ये होता है कि कंपेरिजन करना, ये घंटे में 40 चलती है, ये घंटे में 60 चलती है, तो ये वाली ट्रेन हर घंटे 20 किलोमीटर से ज्यादा चलेगी, हर घंटे 20 किलोमीटर। तो कोई पूछेगा कि बी ए से कितनी पीछे रह जाती है, तो वो बोलेगा 20, या फिर ए बी से कितना ज्यादा चलती है, तो 20। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब ये होता है कि दोनों का कंपैरिजन। ठीक है, अब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, अपोजिट मतलब ये इधर से इधर जा रही है और ये वाली इधर से इधर जा रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ भाग के आ रही है, ये इधर से इधर जा रही है, एक तो स्पीड क्या हो जाएगी एड, तो इनकी रिलेटिव स्पीड अब कितनी हो जाएगी, 60 + 40 = 100। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड का था। लेकिन अब इसमें ध्यान एक चीज देखनी है, ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगी और एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, एक दूसरे क्रॉस का मतलब क्या होगा, देखो मान लो ये ट्रेन कम स्पीड में चलती है, ये ट्रेन ज्यादा स्पीड में, ये वाली इसको क्रॉस करेगी, क्रॉस कैसे करेगी, पहले ये ट्रेन यहां पर आएगी, यहां से यहां तक जाएगी, मतलब इसकी लेंथ को कवर करेगी, यहां से यहां तक ये बी वाली ट्रेन की लेंथ को क्रॉस होगी, उसके बाद यहां पे इसका फ्रंट पहुंचेगा, क्योंकि यहां देखो ये वाली ट्रेन यहां से स्टार्ट हुई, यहां से एंट्री, क्योंकि ये तेज चलती है, ये आगे निकलेगी, ये यहां से यहां तक जब इसका फ्रंट पहुंचेगा तो कौन सी वाली ट्रेन का डिस्टेंस कवर होगा, ये वाली ट्रेन का। उसके बाद वो यहां से जो खुद का डिस्टेंस है वो भी तो ट्रेवल करेगी, क्रॉस का मतलब यही तो होगा, जब ये ट्रेन यहां पर आ जाएगी, क्रॉस का मतलब ये होगा जब ये ए वाली ट्रेन यहां पे पहुंच जाएगी, तो मतलब पहले यहां से इसकी लेंथ को कवर किया, उसके बाद खुद की लेंथ को कवर किया। तो जब भी बोलेगा सेम डायरेक्शन बोल ले, अपोजिट में भी, अपोजिट का भी कंसेप्ट एक बार बताता हूं। ठीक है, ये ए ट्रेन है, ये पी ट्रेन है, कह रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में कैसे जाएगी, ये इधर जाएगी ये उधर जाएगी। ठीक है, मान लो अब ये वाली ट्रेन पहले यहां आएगी, इसका फ्रंट यहां आएगा, फ्रंट होने के बाद ये बी को क्रॉस करेगी, बी को क्रॉस यहां तक करेगी, बी को क्रॉस यहां तक, मतलब इसने बी की लेंथ को क्रॉस कर लिया। उसके बाद क्रॉस का मतलब क्या होता है कि पूरा आर पार हो जाना, तो जब ये यहां पे पहुंचेगी ए वाली ट्रेन, तब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, इसका मतलब ये खुद की लेंथ को भी क्रॉस करेगी। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि या सेम डायरेक्शन बोले या अपोजिट डायरेक्शन बोले, तो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, ए प्लस बी ही रहेगा, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, ए प्लस बी, मतलब दोनों ट्रेन्स अपनी लेंथ को कवर करेंगी, या सेम डायरेक्शन हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन हो, तो दोनों की लेंथ क्या होगी, हमेशा ऐड होगी। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ क्रॉस ए पर्सन इन रिस्पेक्टिवली 10 सेकंड एंड 15 सेकंड। दो इक्वल लेंथ की ट्रेन है, 10 सेकंड पर 15 सेकंड में किसको क्रॉस करती है, एक पर्सन को। ठीक है, ये 10 सेकंड में क्रॉस करती है 15 में, तो डिस्टेंस मैंने मान लिया
30, 3 और 2। तो हमें क्या बताना, उसने बोला कि टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ क्रॉस ए पर्सन इन रिस्पेक्टिवली 10 सेकेंड एंड 15 सेकेंड, इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर इन मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, इन हाउ मच टाइम दे विल रीच इन मूविंग अपोजिट। तो ये क्या थी, 10 सेकेंड उसका टाइम था, ये भी टाइम था, ये मैंने क्या अज्यूम कर लिया, डिस्टेंस, दोनों की इक्वल लेंथ है ना इसलिए इक्वल अज्यूम कर लिया। अच्छा ये क्या आएगी, ये स्पीड, ये भी क्या आएगी स्पीड। उसने बोला कि 10 सेकंड में क्रॉस करती है 15 सेकंड में, दोनों का डिस्टेंस, दोनों बोला था क्वेश्चन में कि दोनों की इक्वल लेंथ है तो डिस्टेंस कितना बनेगा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ना, अब अभी भी बताया था अपोजिट हो या फिर सेम डायरेक्शन हो तो डिस्टेंस तो 30 की एक ट्रेन है तो 30-30 की दोनों ट्रेन होंगे तो डिस्टेंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड 3 है, इसकी स्पीड 2 है तो कितना हो गया 5, ठीक है। ये डिस्टेंस यहां तक माना था, उसने पूछा हमें टाइम, तो अब टाइम क्या आएगा, 30+30 60+5 तो क्या आ जाएगा 12 सेकंड। इसको दोबारा उतरता हूं, क्वेश्चन क्या था कि टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ, दो ट्रेन है इक्वल लेंथ की और एक 10 सेकंड में और एक 15 सेकंड में एक पर्सन को क्रॉस करती है, एक पर्सन को क्रॉस करती है कि इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां से मैंने क्या किया, डिस्टेंस जो कर, डिस्टेंस ये क्या है लेंथ ऑफ ट्रेन, 10 ये 10 सेकंड में कर रहा था पर्सन को क्रॉस, ये 15 में करती थी तो कितने में होगा 30 मैंने अज्यूम कर लिया, तो ये इसकी स्पीड क्या है 3, इसकी स्पीड क्या, ये एक्चुअल स्पीड नहीं है, सारा रेशियो में होता, टाइम एंड वर्क में मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, टाइम निकालना कि कितने टाइम में अपोजिट डायरेक्शन हो या सेम डायरेक्शन हो, लेंथ तो दोनों ही क्रॉस होगी, ट्रेन ए की भी और बी की भी, तो दोनों की इक्वल लेंथ है 30, यहां से 30 आया था तो दोनों की ट्रेन लेनी पड़ेगी, ये 30 इसकी 30 इसकी, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आएगा टाइम, 3+2 5 तो यहां से क्या आ जाएगा 12 सेकंड। इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ क्रॉस ए पर्सन इन रिस्पेक्टिवली 12 सेकंड एंड 20 सेकंड, 12 सेकंड 12 एंड 20 सेकंड, तो डिस्टेंस क्या आ कर लूंगा मैं 60, इसकी स्पीड 5, इसकी स्पीड 3। उसके बाद बोल रहे कि इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, इन हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर इन मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अब की बार सेम डायरेक्शन में जाएंगे लेकिन डिस्टेंस तो दोनों का एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, मतलब डिस्टेंस क्या होगा 60+60 क्योंकि दोनों की लेंथ होगी ना, 60 एक की है दूसरी की क्या है 60, दोनों इक्वल लेंथ बोला गया। अब की बार उसने बोला कि सेम डायरेक्शन का मैंने बताया था रिलेटिव स्पीड क्या होती है x-y, बड़े वाले में से छोटी माइनस कर दो तो बड़ी, इसकी स्पीड 5 है इसकी स्पीड 3 है तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी 2, तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा 120/2 कितना आ जाएगा 60 सेकंड, यहां से टाइम कितना 60 सेकंड मान लो या 1 मिनट मान लो, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू।